जय भोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिनांक 16 और 17 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 16 और 17 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विद द हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो आज के सेशन में अपन क्या क्या देख लेंगे उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में कब मनाया गया, नेशनल चिल्ड्रंस डे के रूप में कब मनाया गया, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में कब मनाया गया, डे ऑफ 8 बिलियंस बाय यूनाइटेड नेशन के रूप में कब मनाया गया, इंटरनेशनल डे फॉर द टॉलरेंस के रूप में अपन ने कब मनाया गया उसके बारे में आज के सेशन में जानकारी दे दूंगा। और दोस्तों, हाल ही में विधि आयोग के अध्यक्ष यानी कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया वो देख लेंगे। और हाल ही में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में वर्ल्ड मार्केट ट्रैवल 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में अब फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस राज्य में किस शहर में किया जाएगा वो भी देख लेंगे। और दोस्तों, हाल ही में एशियन कॉन्टिनेंटल चेस टूर्नामेंट 2022 के वुमेंस कैटेगरी का खिताब किसने जीता वो भी देख लेंगे। और हाल ही में देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे किस शहर में बनाया जाएगा वो भी देख लेंगे। और दोस्तों, हाल ही में ब्रिज इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए इकोनॉमिकल कॉन्क्रीट किस IIT ने तैयार किया है वो भी देख लेंगे। और हाल ही में इंटरनेशनल कन्नड़ा रत्न अवार्ड 2022 के लिए किसे चुना गया वो देख लेंगे। और दोस्तों, हाल ही में पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया उसके बारे में भी आज के सेशन में अपन जानकारी दे देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज 16 और 17 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों, वी आर फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में अपन ने कब मनाया गया, तो हाल ही में 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में मनाया गया। टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड एजुकेट पीपल टू कॉम्बैट निमोनिया डिसीज़ को मनाने के लिए हाल ही में 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में मनाया गया। 12 नवंबर 2009 से हर साल वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में मनाया जाता आ रहा है, जिसकी थीम क्या है दोस्तों, जिसकी थीम है निमोलाइट 2022। तो हाल ही में वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में 12 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, जो कि 12 नवंबर 2009 से हर साल वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में 12 नवंबर को मनाया जाता आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में नेशनल चिल्ड्रंस डे के रूप में अपन ने कब मनाया गया, तो दोस्तों हाल ही में 14 नवंबर को नेशनल चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 14 नवंबर को नेशनल चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, नेहरू जी की 133वीं जयंती मनाने के लिए 133वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए हर साल 14 नवंबर को अपन नेशनल चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। और दोस्तों, पहले 20 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते थे, पर आफ्टर द डेथ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी फिर 14 नवंबर से ही इस दिन को मनाए जाने की घोषणा की थी दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने। तो हाल ही में नेशनल चिल्ड्रंस डे के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में कब मनाया गया, तो हाल ही में 14 नवंबर को ही वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में मनाया गया। तो डायबिटीज़ के खतरे को उजागर करने के लिए हर साल 14 नवंबर को अपन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में मनाते हैं। तो 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बेंटिंग एंड चार्ल्स बेस्ट इन दोनों साइंटिस्टों ने इंसुलिन का आविष्कार किया था, डिस्कवरी किया था, उसी के उपलक्ष्य को के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। तो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में मनाया जाता है, और जिसकी थीम क्या है दोस्तों, जो 2022 की एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, यह थीम है दोस्तों वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की। और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में मनाया जाता रहा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में डे ऑफ 8 बिलियंस के रूप में अपन ने कब मनाया गया, तो दोस्तों हाल ही में डे ऑफ 8 बिलियंस के रूप में 15 नवंबर को मनाया जाता आ रहा है। तो यूनाइटेड नेशन द्वारा हर साल
डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में 15 नवंबर को मनाया जाता आ रहा है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ प्रोजेक्टेड टू रिच 8 बिलियन पीपल्स, अ माइलस्टोन इन ह्यूमन डेवलपमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 15 नवंबर को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में मनाए जाने की घोषणा यूनाइटेड नेशन ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस के रूप में अपन ने कब मनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस के रूप में मनाया जाएगा। तो डाइवर्स कल्चर के बीच में टॉलरेंस के महत्व को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। तो टॉलरेंस को इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी एक्सेप्ट करने के मैसेज को फैलाने के लिए हर साल इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस के रूप में 16 नवंबर को मनाया जाता आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस सेशन में अपन ने 5 दिवस मनाए। 12 नवंबर को अपन ने वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया, 14 नवंबर को नेशनल चिल्ड्रंस डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में भी 14 नवंबर को ही मनाया, और यूनाइटेड नेशन डे द्वारा डे ऑफ 8 बिलियन 15 नवंबर को मनाया। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस के रूप में अपन ने 16 नवंबर को मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में लॉ कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऋतुराज अवस्थी जी को चुना गया। तो लॉ कमीशन के अध्यक्ष के रूप में ऋतुराज अवस्थी जी को नियुक्त किया गया। तो कर्नाटक हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस है ऋतुराज अवस्थी, उनको ही लॉ कमीशन के 22वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो लॉ कमीशन विधि आयोग यह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित की गई है, और यह कमीशन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए स्थापित किया जाता है। कानून और न्याय मंत्रालय के एडवाइज़र के रूप में काम करता है विधि आयोग का अध्यक्ष। और 1955 में भारत सरकार ने महान्यायवादी SM शीतलवाड़ जी की अध्यक्षता में यह विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन की स्थापना की थी, और स्वतंत्र भारत के पहले लॉ कमीशन की स्थापना की थी। और दोस्तों हाल ही में इसरो के आदित्य L1 मिशन के चीफ साइंटिस्ट के रूप में डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया था। हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमनी जी थे। रेलटेल के अध्यक्ष संजय कुमार जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में ऋतुराज अवस्थी जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में गोपाल विट्ठल जी को ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन के रूप में चुना गया। तो ग्लोबल एसोसिएशन वाला ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन यानी कि उप अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष के रूप में गोपाल विट्ठल जी को नियुक्त किया गया। यह कमीशन एसोसिएशन पूरे भारत में मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ को कंट्रोल करता है, और भारतीय एयरटेल के CEO भी है दोस्तों गोपाल विट्ठल, इनको ही ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन के रूप में चुना गया। और दोस्तों जिसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के, तो नेशनल और टेलीफोनिका ग्रुप की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जोस मारिया जी बनी ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन की अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन, और वाइस चेयरमैन हमारे भारतीय एयरटेल के CEO गोपाल विट्ठल जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अध्यक्ष मृणालिनी श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया था। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में कल्याण चौबे जी को नियुक्त किया गया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के रूप में नितिन गुप्ता जी को नियुक्त किया गया था। तो हाल ही में ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन के रूप में गोपाल विट्ठल जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड मार्केट ट्रैवल 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन लंदन UK में किया गया। तो 7 से 9 नवंबर 2022 तक वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन किया गया एक्सेल लंदन में। तो कोविड में हर देश में टूरिज़्म ठप हो गया था, तो कोविड के बाद टूरिज़्म को फिर से बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन एक्सेल लंदन में किया गया, और भारत के फेमस डेस्टिनेशंस को प्रमोट किया जाएगा इस वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में, जिसकी थीम क्या है दोस्तों? द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ। तो हाल ही में वर्ल्ड मार्केट ट्रैवल 2022 का आयोजन लंदन में किया गया है दोस्तों, 7 से लेके 9 नवंबर 2022 तक।
और दोस्तों हाल ही में 65वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कनाडा में हुई, 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो कि बर्मिंगम यूके में हुए, और न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बिकम्स ऋषि सुनक जी, और दोस्तों जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। और हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2022 में भारत 54वें स्थान पे है, पहले स्थान पे जापान है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड ट्रैवल टूरिज्म इंडेक्स 2022, जिसमें पहले पे जापान, 54th नंबर पे भारत है। और हाल ही में वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है, और 2022 में नाटो का मीटिंग मैड्रिड स्पेन में ही हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन एक्सेल लंदन में किया गया 7 से 9 नवंबर 2022 के बीच में दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएंगे। तो दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित होगा FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2022। तो 12वां एडिशन होगा FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का, 24 नवंबर से शुरू होगा, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होगा FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन। और इंडियन टीम जो होगी उसके कैप्टन विवेक सागर प्रसाद होंगे, हेड कोच रहेंगे ग्राहम रिड जी, और लगातार तीसरी बार भारत करेगा होस्टिंग FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी, और 2013 में भी की थी, 2016 में भी की थी, 2013 वाली दिल्ली में हुई थी, 2016 वाली लखनऊ में हुई थी, और 2016 में लखनऊ में होने वाली FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2016 को भारत ने ही जीता था दोस्तों। तो हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2022 को दोस्तों। और दोस्तों अभी बात अभी हॉकी की है, तो इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष अभी मोहम्मद तैयब इकराम जी को चुना गया था, और हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की जी बन गए थे। सुल्तान जौहर हॉकी कप जो कि मलेशिया में आयोजित किया गया था, भारत ने ही जीता था ऑस्ट्रेलिया को हरा के। और हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी हॉकी फाइव वेज टाइटल को भी भारत ने ही जीता था पोलैंड को हरा के, जो कि पहला ही FIH हॉकी फाइव वेज टाइटल था। और दोस्तों ओडिशा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा, मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर जी के नाम पे रखा गया। अजलान शाह कप, आगा खान कप, नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रंजीत सिंह कप, ऑल विच इज़ एसोसिएटेड विद हॉकी कप्स दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिए। तो हाल ही में FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में आयोजित किए जाएंगे, 24 नवंबर से शुरू होगा, जिसका 12वां एडिशन है दोस्तों, और लगातार तीसरी बार भारत ही मेज़बानी कर रहा है दोस्तों इसकी। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में एशियन कॉन्टिनेंटल चेस टूर्नामेंट 2022 के वुमेंस कैटेगरी का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों हाल ही में चेन्नई की चेस प्लेयर PV नंदीदा जी ने एशियन कॉन्टिनेंटल चेस टूर्नामेंट 2022 के वुमेंस कैटेगरी का खिताब जीता। तो ओपन कैटेगरी में R प्रज्ञानंदन जी ने खिताब जीता, और वुमेंस कैटेगरी में PV नंदीदा, जो कि बोथ प्लेयर आर फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु। तो हाल ही में एशियन कॉन्टिनेंटल चेस टूर्नामेंट 2022 के वुमेंस कैटेगरी का खिताब PV नंदिता जी ने जिताया दोस्तों। तो अक्टूबर 26 से लेके 3 नवंबर 2022 के बीच में आयोजित की गई थी एशियन कॉन्टिनेंटल चेस टूर्नामेंट 2022, जो कि न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों बात अभी चेस की है, तो हाल ही में 44वें चेस ओलंपियाड 2022 का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, जिसका शुभंकर थम्बी था और उज्बेकिस्तान टीम विनर थी। और 2024 में जो फीडे चेस ओलंपियाड हो गए, जो कि 45th चेस ओलंपियाड होंगे, जो कि बुदापेस्ट हंगरी में होंगे, 2026 में उज्बेकिस्तान में होंगे।
और हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज चेस प्लेयर यूरी एवरबाग जी का निधन हुआ। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी थे, जो कि अभी फीडे के वाइस प्रेसिडेंट जी के रूप में नियुक्त किया गया। लाउजन स्विट्जरलैंड में दोस्तों फीडे का हेडक्वार्टर है। और विश्वनाथन आनंद की अभी ऑटोबायोग्राफी भी आई थी माइंड मास्टर नामक, और 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी विश्वनाथन आनंद जी को ही मिला था। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जाना जाता है अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी इनामी राशि 7.5 लाख से 25 लाख कर दी। और भारत की पहली ग्रैंड मास्टर महिला ग्रैंड मास्टर एस विजय लक्ष्मी जी को चुना गया था। और हाल ही में भारत की पहली चेस अकादमी भुवनेश्वर उड़ीसा में खोली जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में एशियन कॉन्टिनेंटल चेस टूर्नामेंट 2022 के वुमेंस कैटेगरी का खिताब चेन्नई की चेस प्लेयर पीवी नंदिदा जी ने जीता, और ओपन कैटेगरी में आर प्रज्ञानंदन जी ने खिताब जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे किस शहर में बनाया जा रहा है? तो हाल ही में देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे नोएडा में बनने जा रहा है। तो दोस्तों नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, जो जिसकी लंबाई है 24.5 किलोमीटर। यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, और इसी एक्सप्रेसवे पे भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनेगा। दिल्ली से नोएडा को जोड़ता है और नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। तो दोस्तों जो लोग नई दिल्ली से आते हैं उनको आगे जाना हो तो नोएडा से एंट्री लेते हुए जाना पड़ता है, जिससे ट्रैफिक की समस्या होती है। अभी जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनेगा उससे ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा, और दिल्ली वाले डायरेक्ट ऊपर से ही चले जाएंगे नोएडा में, और दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ देगा। और दोस्तों अभी भारत का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर नागपुर महाराष्ट्र में बनाया गया था, जिसकी लंबाई थी 3.14 किलोमीटर, और पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे है। और अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, जिसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में एकमात्र टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश का 4था और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व भी बना था दोस्तों हाल ही में। तो हाल ही में देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे नोएडा में बनने जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस आईआईटी ने ब्रिज इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए इकोनॉमिकल कंक्रीट को तैयार किया है? तो आईआईटी हैदराबाद के साइंटिस्टों ने ब्रिज इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए इकोनॉमिकल कंक्रीट को तैयार किया। तो अल्ट्रा हाई परफॉर्मिंग फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट यानी कि UHPFRC, जिसको ब्रिजेस और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में उपयोग होगा, इसका अल्ट्रा हाई परफॉर्मिंग फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट का। तो फाइबर की मात्रा को कम करके अल्ट्रा हाई परफॉर्मिंग फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट के लिए बनाया गया है दोस्तों ब्रिज इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए। आईआईटी हैदराबाद के साइंटिस्टों ने अभी इकोनॉमिकल कंक्रीट को शुरू किया गया। और दोस्तों हाल ही में नरेंद्र सिंह कपालिया जी, जिनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के रूप में जाना जाता था, इनका हाल ही में निधन हुआ। हाल ही में आईआईटी हैदराबाद ने ही हैंडीकैप लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस जॉब पोर्टल यानी कि स्वराजबिलिटी को डेवलप किया था, और एग्रीकल्चर वेस्ट से बनी बायोब्रिक्स से बिल्डिंग भी बनाई थी आईआईटी हैदराबाद के साइंटिस्टों ने। और दोस्तों हाल ही में आईआईटी हैदराबाद में ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर तिहान का उद्घाटन किया गया था। ड्रोन बेस्ड डेवलपमेंट कार्य होंगे दोस्तों यहाँ पे। और हाल ही में आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर, जिसका नाम रखा गया था नियोबोल्ट, उसको लॉन्च किया था। और दोस्तों हाल ही में आईआईटी मद्रास ने रोबोट होमोसैप को भी डेवलप किया था, जो कि सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए शुरू किया गया था। और दोस्तों हाल ही में आईआईटी रोपड़ ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर यूब्रिथ लाइफ नामक बनाया था। और हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरीफायर नासो 95 को लॉन्च किया था। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बनेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में आईआईटी हैदराबाद के साइंटिस्टों ने ब्रिज इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए
इकोनॉमिकल कंक्रीट को डेवलप किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल कन्नड़ा रत्न अवार्ड 2022 के लिए किसे चुना गया? तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल कन्नड़ा रत्न अवार्ड 2022 के लिए यदुवीर कृष्णराज चामराजा वाड़ियार जी को सम्मानित किया जाएगा। तो पूर्व शाही परिवार के सदस्य यदुवीर कृष्णराज चामराजा वाड़ियार जी को इंटरनेशनल कन्नड़ा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया और यह कन्नड़ राज्योत्सव को चिन्हित करने के लिए दुबई कन्नडिगास द्वारा हर साल दिया जाने वाला एक सम्मान है, जिसे इंटरनेशनल कन्नड़ा रत्न अवार्ड से के रूप में भी जाना जाता है, जिसके 2022 के लिए यदुवीर कृष्णराज चामराजा वाड़ियार जी को सम्मानित किया जाएगा। और दोस्तों हाल ही में ताहिरा कुतुबुद्दीन जी ने 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीता था। और दोस्तों हमारे पहले भारतीय मूल के व्यक्ति भी बने थे ताहिरा कुतुबुद्दीन, 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीतने वाले। और शेहान करुणा तिलिका जो कि बुकर प्राइज़ 2022 जीता और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ हमारी गीतांजलि श्री जी ने जीता था, उनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए रेत की समाधि के लिए, जिसे ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल जी ने। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल कन्नड़ा रत्न अवार्ड 2022 के लिए यदुवीर कृष्णराज चामराजा वाडियार जी को सम्मानित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य में पुष्कर मेले का आयोजन किया गया? तो दोस्तों हाल ही में 1 नवंबर से लेके 9 नवंबर 2022 के बीच में पुष्कर ऊंट मेला और कार्तिक मेला कहने जाने वाले पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान में किया गया और पुष्कर महोत्सव कश्मीर में होता है। और हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया और हाल ही में पहला नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड में आयोजित किया गया। तो और हाल ही में पहली बार ही लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन जम्मू और कश्मीर में किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान में पुष्कर मेले का आयोजन किया गया है। दोस्तों तो दोस्तों यह थे 16 और 17 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 12 नवंबर को अपन ने विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया गया, 14 नवंबर को अपन ने नेशनल चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया गया और हाल ही में 14 नवंबर को ही वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में डे ऑफ 8 बिलियंस के रूप में यूनाइटेड नेशन द्वारा हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता आ रहा है और 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस के रूप में मनाया जाता है। और हाल ही में लॉ कमीशन के अध्यक्ष के रूप में ऋतुराज अवस्थी जी को नियुक्त किया गया, कर्नाटक हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस है ऋतुराज अवस्थी, उनको ही विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और हाल ही में ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन के रूप में गोपाल विट्ठल जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में वर्ल्ड मार्केट ट्रैवल 2022 का आयोजन लंदन में किया गया, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 7 से 9 नवंबर 2022 के बीच में एक्सेल लंदन में आयोजित किया गया। और हाल ही में FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। और हाल ही में दोस्तों एशियन कॉन्टिनेंटल चेस टूर्नामेंट 2022 के वुमेंस कैटेगरी का खिताब PV नंदिदा जी ने जीता है, जो कि हमारी दोस्तों चेन्नई की चेस प्लेयर है। और ओपन कैटेगरी में R प्रज्ञानंदन जी ने यह खिताब जीता एशियन कॉन्टिनेंटल चेस टूर्नामेंट 2022 के ओपन कैटेगरी का। और हाल ही में देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे नोएडा में बनने जा रहा है। और हाल ही में IIT हैदराबाद ने ब्रिज इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए इकोनॉमिकल कंक्रीट को तैयार किया। और हाल ही में इंटरनेशनल कन्नड़ा रत्न अवार्ड 2022 के लिए यदुवीर कृष्णराज चामराजा वाड़ियार जी को सम्मानित किया गया, जो कि एक पूर्व शाही परिवार के सदस्य भी रह चुके हैं। और हाल ही में राजस्थान राज्य में पुष्कर मेले का आयोजन किया गया है। दोस्तों तो दोस्तों यह थे 16 और 17 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरुबाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरुबाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज। दोस्तों जय भोले।